दोस्तों, अब जो हमारे पास नए टॉपिक की जो सीरीज है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही बड़ी ब्रांच है हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। दो ब्रांचेज आते हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हम ये जो आपके पास कोर्स लेकर आए हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अगर कोई चीज़ रह जाए या कुछ हो जाए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे। सबसे पहले देख लेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है और इकोनॉमिक्स होता क्या है। क्योंकि अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये बात जाननी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी होगी। तो मैंने आसान से आपको लफ्ज़ों में बात समझाती हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स कौन सी है? इकोनॉमिक्स एक पढ़ाई है किस चीज़ की, कि सोसाइटीज़ किस तरीके से स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, कि किस तरीके से यूज़ करती हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें किसको, वैल्यूएबल कमोडिटीज़ को। कमोडिटीज़ कौन सी होती हैं? अब देखो, स्केयर रिसोर्सेज का मतलब ये होता है लिमिटेड चीज़ें। स्केयर मतलब अनलिमिटेड, स्केयर मतलब स्केयर रिसोर्सेज क्या हुई, अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि आप हर चीज़ चाहते हो। आप पानी की बोतल भी खरीदना चाहते हो, लैपटॉप खरीदना चाहते हो, आईफोन खरीदना चाहते हो, ब्रश खरीदना चाहते हो, अपने कपड़े खरीदना चाहते हो, आपकी अनलिमिटेड वांट है। लेकिन आपके पास लिमिटेड क्या है? आपके पास लिमिटेड है मनी। LM मतलब लिमिटेड मनी। आपके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड आपके पास मनी है, यानी आप अपनी ख्वाहिशात को किस तरीके से अपने उन पैसों में यूज करोगे वो कहलाती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब आप उन पैसों को किस तरीके से, वही बात जब मैंने आपको बताई यूज में, अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्शन में काम होता है। अब आपके पास जो पैसे, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि आप इसका एक कॉटन बना सको, कपड़ा बना सको, या कोई भी वैल्यूएबल कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब गुड्स हो गए, आपके खाने पीने वाली चीज़ें हो गई, पहनने ओढ़ने वाली चीज़ें हो गई, यानी कोई भी यूजफुल गुड जो आप यूज़ करते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में, दैट इज़ अ वैल्यूएबल कमोडिटी जो हर इंसान की ज़रूरत हो, और फिर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो देन अमॉन्ग द डिफरेंट पीपल, दैट्स इट। इसके दो मेन आइडिया हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एक, दैट गुड्स आर स्केयर, जो मैंने बात बताई स्केयर है, एंड द सोसाइटी मस्ट बी यूज रिसोर्सेज। अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो सकती है? हमारे पास रिसोर्सेज में आ जाती है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वाटर, ठीक है, एयर, और हमारे पास ज़मीन यानी लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी तो एक तरीके से कहते हैं कि यह अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, ये भी हमारे पास लिमिटेड है। अब वो किस तरीके से, अब आप खुद देखो, वाटर है, पहले पानी फ्री मिलता था, लेकिन अब पानी भी पैसों का बिकने लग गया है, लेकिन वो भी लिमिटेड है, एक वक्त आएगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। एयर कहते हैं कि अनलिमिटेड है, सब कुछ है, लेकिन हमने फैक्ट्रीज लगा के ख़राब कर दी, ये भी लिमिटेड हो गई है, हर इंसान के लिए लिमिटेड हो गई है, कहीं कहीं आपको जगह अच्छी एयर मिल रही है। ज़मीन, पहले ज़मीनें ही ज़मीनें, सब कुछ हुआ करती थी, अब क्या लिमिटेड होने लग गई है, अब हर जगह ज़मीन, अब घर नहीं बना सकते, हर जगह खेती बाड़ी नहीं कर सकते। कहने को अनलिमिटेड है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये भी लिमिटेड है। लेकिन आप इन नेचुरल रिसोर्सेज का, इन नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, उनको किस तरीके से अच्छे में और उनसे सारी प्रोडक्टिविटी निकालते हो, वो डिपेंड करता है आप पर। ये मेन आइडिया पहला समझ आया। अब जो दूसरा है स्केयर का, स्केयर मैंने आपको क्या समझाया, स्केयर मतलब ये है, स्केयर रिसोर्सेज आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और लिमिटेड आपके पास क्या है, लिमिटेड क्या है आपके पास, लिमिटेड आपके पास जो है, लिमिटेड ये मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ वो है, लिमिटेड क्या है, आपके पास पैसा है। तो आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है अब तक के लिए।